किसी को अपना हस्ताक्षर किया कागज न दें, आपकी जमा पूंजी हो सकती है गायब। अगर कोई आपके पास आए और आपके कागजात मांगे तो उस पर विश्वास करके कोई भी कागजात ना दें। कागजात अगर आप देते हैं तो आपको महंगा पड़ सकता है। मुंबई में एक महिला को विश्वास में लेकर उस महिला ने हस्ताक्षर के कागजात लेकर उसी के आधार पर महिला ने कई चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करोकर करोड़ों रुपए लेने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के पास 10 करोड़ के बकाया के नोटिस उसके पेयर से जमा खिसक गई है। इसने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में जांच कराई, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई से सटे डोंबिवली में रहने वाली तारुलता शाह नामक महिला घर काम करके अपनी जीविका चलाती है। वह अशिक्षित है, इसका फायदा उठाते हुए उसको फंसाया गया। मामूली पगार पर काम करने वाली तारुलता शाह को आयकर विभाग ने 10 करोड़ रुपए का बकाया नोटिस भेजा है, जिसके कारण वह काफी परेशान है और इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। मेरा नाम तरुलता विपिन शाह, मैं एक ऑफिस में काम करती थी ईस्ट में, ऐसा तो उधर एक पंकज शाह करके आते थे, होरा करके आते थे। वो थोड़ा पहचान हुआ 2-3 बार उसका, उसके बाद वो घर पे आता था, घर पे आया था एक बार एड्रेस लेके, बोलता है आपको मदद करता है थोड़ा ऐसा। तो एक फॉर्म में साइन लेके गया था बैंक का, कौन सा बैंक का फॉर्म में साइन है वो मेरे को नहीं पता था ऐसे। तो 2007 में 6-7 में लेके गया था, उसे खोला तो 2009-10 में खासा था ऐसे। तो मैं मांगा था एक बार उसको फॉर्म वापस, तो बोलता आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं इसलिए खाता नहीं खुला है। ठीक है, अभी इतना साल हो गया तो अभी नहीं हुआ रहेगा ऐसे। तो उसके बाद हमको 2017 में लेटर घर पे इनकम टैक्स का आया, तभी मालूम पड़ा ये खाता खोला है ऐसे। वही मालूम नहीं था कि इंडियन बैंक ऐसा कुछ है, खाता खोला है तुम्हारा ऐसा ऐसा आया है करके। तो ज्यादा आया, एक साल में पहला 4 करोड़ का आया, दूसरा साल में 10 करोड़ का हो गया सीधा डायरेक्ट ऐसे। तो इतना तो हम भर नहीं सकते है, इतना मांगे दूसरा हमारा नहीं है, एक तो हम कैसे भरेगा, वही है ही नहीं हमारे पास, हम भरेगा अभी। हो उसको कैसे इंक्वायरी करो बराबर, उसको सजा दो बस। ये मेरे साथ हुआ है, दूसरे के साथ नहीं होना मांगता है ऐसे। सो दिनांक 1/5/2007 से 29/12/2017 पर्यंत झावेरी बाजार शाखा युनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई या ठिकाणी जे आरोपी आहे त्यांनी फिर्यादी जे आहे ते घरकाम मध्ये आणि घरगुती जेवण बनवण्याचा ते काम करत आहे, अँड ते राहणार ठीमथुरा सखाराम कॉम्प्लेक्स डोंबिवली पश्चिम ठाणे येथे ते राहत आहे। त्यांचे कमी शिक्षणाचा फायदा घेऊन त्यांना व्यवसाय करण्याकरिता बँक खाते उघडण्यास सांगून त्यांना व्यवसायात मदत करण्याचे आमिष दाखवले व फिर्यादी यांचे घरी जाऊन बँक खात्या ओपनिंग फॉर्मवर सह्या घेऊन पॅन कार्ड व रेशन कार्ड यांच्या छायांकित प्रत त्यांनी घेतला। तसेच फिर्यादी यांचे संमतीशिवाय युनियन बँक ऑफ इंडिया झावेरी बाजार शाखा मुंबई व युनियन बँक ऑफ इंडिया डोंबिवली ठाणे या दोन्ही बँकेत बनावट खाते उघडून फिर्यादी यांच्या सह्याचा वापर करून चेकने व रोखीने काही कोटी रुपयांचा व्यवहार केला। तसेच रुपये 10,12,28,280 इतका टॅक्स भरणे चुकून आरोपीने स्वतःच्या फायद्यासाठी आयकर विभागाची करोडो रुपयांची फसवणूक केली व फिर्यादी यांची देखील त्यांच्या नावे गैरव्यवहार करून फसवणूक केली। म्हणून फिर्यादी यांनी 31/10/2019 रोजी त्यांची अर्ज घेऊन गुन्हा नंबर 329/19 कलम 465, 466, 468, 419, 420, 120B भादवी अन्वय नोंद केलेला आहे गुन्हा LT मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये, आणि पुढील तपास
सध्या चालू आहे एंड आरोपी चा शोध आपण घेत आहे. सर, या प्रकरणातल्या आरोपीचं नाव काय आहे?